वेलकम टू माय चैनल बीकेपी यानी बिंदास करो पढ़ाई। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप मेरी इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक जरूर पहुंचाएं और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप अपना पेज अपना फोन टिल्ट कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल्स, प्राइसेस, वेजेस, इनकम एटसेट्रा। माइक्रो मींस स्मॉल, सो इट ओनली स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर। तो जैसा कि आपने अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा कि माइक्रो मतलब छोटा होता है ना फ्रेंड्स, आपने मैंने सबने सुना होगा माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये एक ऐसी टर्म है जो कि स्टडी करती है इंडिविजुअल बिहेवियर पर, इंडिविजुअल इन द सेंस जैसे आप में से इंडिविजुअल बिहेवियर पर ये स्टडी करती है। नाउ फ्रेंड, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? आप और मैं सभी लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजरते हैं। आपकी अभी उसी वक्त कुछ प्रॉब्लम चल रही होंगी, आपको अभी ये प्रॉब्लम होगी आपकी कि अभी आपको टेस्ट है आपका, आपने चैप्टर पढ़ा नहीं होगा, तो बट आपको इस प्रॉब्लम की ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस चॉइस मतलब आप किसी चीज़ को चूज कर रहे हो। तो आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आपके आपके लिए एक चॉइस भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो इट इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं एंड सबसे मोस्ट होम टू फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाएं, क्यों बनाना ज़रूरी है। देर आर ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री एंड एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड हैज़ दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो गाइज, आगे कंटिन्यू करते हैं कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब कॉजेज मतलब होते हैं कारण कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, क्या वजह है इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के लिए, क्यों ये अकर करती हैं। तो इसको हमें पता चलेगा ये तीन पॉइंट्स की वजह से। पहला है ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। तो दोस्तों, जैसा मैं और आप जानते हैं कि जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब किसी की भी कभी भी डिमांड, कभी ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। अगर किसी के पास आज साइकिल है तो उसको बाइक चाहिए, बाइक आएगी तो उसको कार चाहिए, और कार आएगी तो उसको हवाई जहाज भी चाहिएगा। तो किसी की भी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। सेकेंड पॉइंट्स है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब देखो, डिमांड तो आपकी अनलिमिटेड होगी, आपको सब कुछ चाहिए, बट रिसोर्सेज तो एक लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड हो नहीं सकते। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एक हद तक है, अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव इश्यूज। तो रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेटिव इश्यूज भी होते हैं। अब फ्रेंड्स, हम नए टॉपिक पर चलते हैं, एक दूसरे टॉपिक पर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरामैन थोड़ा जूम करना, थैंक यू। बस डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये आपने अपने स्कूलों में, अपने ट्यूशन में ज़रूर पढ़ा होगा, बट आपको शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आया होगा, तभी आज आप यूट्यूब पे आए हो और आपने सर्च किया है मेरे चैनल पे। तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। इट रिलेट्स टू एग्रीगेट्स। कौन रिलेट करता है? मैक्रो इकोनॉमिक। ये मैक्रो इकोनॉमिक का पहला पॉइंट है, इट रिलेट टू एग्रीगेट। एग्रीगेट फिगर्स होती हैं, उसको रिलेट करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट रिलेट टू इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया था, ऊपर भी बताया था यहाँ पर डेफिनेशन में, माइक्रो मीन स्मॉल, सो इट ओनली स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर। तो ये इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल्स। अब हम आते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, बेसिक ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू स्टडी द लेवल ऑफ इनकम। जो लेवल ऑफ इनकम होती है अ पर्टिकुलर कंट्री के, पर्टिकुलर स्टेट की, उसको स्टडी करना। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन अ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब एक पूरी तरीके से एज अ होल कम्प्लीटली स्टडी करना लेवल ऑफ इनकम को। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स माइक्रो इकोनॉमिक का? बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब पैसा, मनी, इनकम, पता लगाना, डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन, पता लगाना कि प्राइस कितना है, उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आपका एग्रीगेट है, एग्रीगेट मतलब मिला हुआ, जोड़ा हुआ, टोटल सम, ये एग्रीगेट का मतलब होता है। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब आपने इसको जोड़ रखा, आपने इसको इन सब काफ़ी सारे आपके पास नंबर्स थे, आपके आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, आपने उनका एग्रीगेट बना लिया।
अब एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, कि एक का इंडिविजुअल डिमांड हो गया और इंडिविजुअल सप्लाई हो गया। तो फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के सहूलियत के लिए मैंने नोट्स बनाए हुए, मैं आपको उन्हीं से पढ़ा रहा हूँ और आई होप आपको वो नोट्स समझ आ रहे होंगे जो बहुत इफेक्टिव साबित होंगे। अगर आपने नोट्स को याद कर लिया समझ लिया तो आपके हार्डली कोई इकोनॉमिक्स में नंबर काट सकता है, भरोसा रखिए। इसी के साथ आगे बने रहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पहला पॉइंट, इट डील्स विद व्हाट इज़ और व्हाट विल बी। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है फ्रेंड्स ये डील करता है व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी के साथ, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इट डील्स विद व्हाट शुड बी एंड वॉट ऑट टू बी। फ्रेंड्स ये अगर आपने पॉइंट लिख दिया तो आपका एक नंबर पूरा पक्का। अब सेकेंड पॉइंट है इट डील्स विद कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दैट कैन बी टेस्टेड, और नॉर्मेटिव का इट डील्स विद जजमेंट और ओपिनियन अबाउट द इकनॉमी। ये डील करता है जजमेंट का और ओपिनियन का, आपका क्या व्यू पॉइंट, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट द इकनॉमी। फिर पॉजिटिव इकनॉमिक इट इज़ वेरीफाइबल बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब आप इसको चेक कर सकते हो, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि इज़ इट ट्रू, इज़ इट करेक्ट और नॉट, एज इट इज़ वेरीफाइबल बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिगर्स कुछ नंबर होते हैं ना जिनसे आप, नंबर्स होते हैं आपके पास, रिकॉर्ड्स होते हैं रिटर्न रिकॉर्ड्स जिनसे आप पता लगा सकते हो ओ अच्छा तो ये आपका सही है या ये गलत है, यहाँ मिस्टेक्स हैं या नहीं है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ नॉट वेरीफाइबल बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसकी कोई कॉन्स्टेंट, इसकी कोई मतलब एक वेरीफाइबल फिगर या कोई फैक्ट्स नहीं होते जो प्रूव कर सकें इकनॉमी के बारे में, तो इसलिए नॉर्मेटिव इकनॉमी के अंदर आता है। अब आता है एग्जांपल, इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये पॉजिटिव इकनॉमी इकनॉमिक्स है। इसमें आप मतलब ये फैक्ट्स एंड फिगर के थ्रू प्रूवन है कि इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये आप साबित कर सकते हैं, उसके प्रूफ्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। बट इंडिया शुड डू समथिंग टू कंट्रोल पॉपुलेशन रेट ऑफ द कंट्री, ये आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कितना करना चाहिए। शुड डू कोई फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आप इसको जज नहीं कर सकते, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप जज नहीं कर सकते, आप उसके बारे में कोई चीज़ कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो वो आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो आपको नाम से लग रहा होगा सेंट्रली, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो सेंटर मतलब एक नॉर्मल बेस जहाँ से सब चीज़ें प्लान होती है। तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, अ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी इज़ वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड एक्सचेंज आर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। तो फ्रेंड सेंट्रली प्लान इकोनॉमी वो होती है एक वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, कंजम्पशन आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपने कंज्यूम किया, आपने कुछ भी चीज़ ली तो आपने उसको कंज्यूम किया, प्रोड्यूस आपने बनाया, कंज्यूम आपने उसका इस्तेमाल किया, एंड एक्सचेंज आपने उस चीज़ के बदले कोई और चीज़ ली और अपनी चीज़ किसी और को दे दी, वो एक्सचेंज हो गया। आर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये चीज़ें गवर्न्ड हो जाती हैं बाय गवर्नमेंट, इस चीज़ को कौन करता है, गवर्नमेंट। तो ये होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब आती है फ्रेंड्स मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये गवर्नमेंट तो नहीं करती होगी, तो ये करती हैं प्राइवेट कंपनीज और कोई भी कर सकता है, बट गवर्नमेंट इसको सेंटर मतलब गवर्नमेंट इसको गवर्न नहीं करती है। मार्केट इकोनॉमी इज़ वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, वही तीनों पॉइंट हमने यहाँ पढ़े थे, प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड एक्सचेंज आर गवर्न बाय, इसमें गवर्न बाय गवर्नमेंट था बट इसमें आर गवर्नमेंट गवर्न बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। तो अब आप सोच रहे होंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी तो हमने बस एक ही डिफरेंस पढ़ा था, वो क्या था? हाँ हाँ मैं जो पता है आप समझ गए, बट फिर भी मैं तो बताऊंगा ना। वो पॉइंट ये था कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी था उसको सेंटर गवर्न करता था और मार्केट इकोनॉमी को मार्केट गवर्न करता था, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट मीनिंग हम इसका देखते हैं, इट इज़ दैट प्लान्ड इकोनॉमी का देख रहे हैं हम, मीनिंग है इट इज़ दैट इकोनॉमी इन विच कोर्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज इज डिसाइडेड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी और बाय गवर्नमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट वही है, इसमें भी मार्केट इकोनॉमी में वही है, इट इज़ द इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कैमरा मैन थोड़ा जूम करना, आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द रोल ऑफ मार्केट फोर्सेज। और फ्रेंड्स हमने इसके वो लिख रखे हैं बेसिस,
जो आप थोड़ा सा इधर आएगा कैमरामैन, हाँ बेसिस, ये सब वैल्यू पॉइंट्स है। अगर आपको ये याद है, अगर आपको एग्जाम में याद है मीनिंग, तो आप उसका मीनिंग आप खुद भी लिख सकते हो। राइट टू प्रोड्यूस आप उसका खुद लिख सकते हो, एम उसका खुद लिख सकते हो। तो अगर आप ये लिखते हो तो इससे सामने वाले टीचर को पता चलता है अच्छा ये इन तीन पॉइंट्स का बताना चाह रहा है, तो वो टीचर इसके अंदर ज़्यादा घुसेगा नहीं, तो आपके जो मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे, जो मिस्टेक पकड़ने के चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं, राइट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर्स आर नॉट फ्री टू प्रोड्यूस, ओनली अ सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लेयर्स डिसाइड्स द फुल वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल कैन कंज्यूम। तो प्रोड्यूसर्स आर नॉट फ्री टू प्रोड्यूस, ओनली अ सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है, डिसाइड द फुल वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल कैन कंज्यूम, कि पीपल हैं वो कितना वेराइटी और कितना अमाउंट ऑफ गुड है जो वो कंज्यूम कर सकता है। बट मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस, जितना वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जितना उगाना चाहते हैं, जितनी खेती करना चाहते हैं उतनी खेती कर सकते हैं एज पर देयर चॉइस। फ्री टू प्रोड्यूस द हाईली डिमांडेड गुड्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वो किस पे ध्यान रखते हैं, प्रॉफिट, उनको पीपल का ध्यान नहीं है। वेयरएज जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट पीपल के लिए सोचती है। तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एम हमारा यही ये बता रहा है, सोशल वेलफेयर इज़ द प्राइम कंसिडरेशन। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर उनका मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन एम क्या होता है, किस बारे में वो सोचते हैं और उस पर वर्क करते हैं, सोशल वेलफेयर इज़ द प्राइम कंसिडरेशन। सोशल मतलब सामाजिक वेलफेयर, जो आपका समाज है, जो आपकी जनता है उसका वेलफेयर। अब गवर्नमेंट है वो तो जनता के बारे में सोचेगी, तो उसके वेलफेयर के लिए वो उसका प्राइम कंसिडरेशन होता है। मार्केट इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट इकोनॉमी में सेल्फ इंटरेस्ट होता है, आपका खुद का इंटरेस्ट, ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग ये प्राइम उनका प्राइम कंसिडरेशन होता है। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी क्या होती है फ्रेंड्स, क्या होती है, आपको क्या लगता है अपॉर्चुनिटी क्या होती है? आप सभी ने अपॉर्चुनिटी वर्ड जरूर सुना होगा। अपॉर्चुनिटी मतलब होती है कि आपको किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको किसी चीज़ की चॉइस मिल रही है, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आपको जॉब मिल रही है तो वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, आपको कुछ खाने को मिल रहा है तो आपकी वो फूड अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब आपको एक चूज़ करने का, आपको वो चीज़ लेने की परमिशन मिल रही है या फिर आप चॉइस मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, पैसे की कॉस्ट, पैसे की अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कैन गिव अप वेन एवर यू मेक अ डिसीजन। कुछ समझ में आया, नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर होता है कि आपको जब भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए अपनी एक गुड या एक सर्विस सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी नेक्स्ट बेस्ट चीज़ लेने के लिए। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे आपको मैंगो भी अच्छा लगता है, आपको एप्पल भी अच्छा लगता है, बट अगर आपको कोई बोले कि आपको एक ही फ्रूट लेना है, आपको दोनों अच्छे लगते हैं तो आप अपना बेस्ट फ्रूट लोगे, मगर उसके लिए आपको अपना सेकेंड बेस्ट फ्रूट या फिर अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, वही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप सोचो कि भाई मैं तो दोनों फ्रूट खा लूँगा, मैं क्यों वो करूँ? तो आप इसको जॉब के केस में समझो, अगर आपको कोई दो जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप किस जॉब में जाओगे? आप सब उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स देखोगे कि कौन सी जॉब अच्छी है, किस में ज़्यादा वेजेस हैं, किस में सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, वो सब आपके सब फीचर्स हो गए एक जॉब डिसाइड करने के लिए। तो आप एक जॉब चुनोगे, आप दो जॉब तो चुन नहीं सकते, एक टाइम पर दो जगह तो काम कर नहीं सकते, तो वो आपकी होगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बट यहाँ पे कॉस्ट का इससे उसका मतलब नहीं है, इट इज़ द लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन फ्रॉम अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन। मतलब आप एक ऑल्टरनेटिव एक चीज़ चूज कर रहे हो तो आपके बाकी उसका तो लॉस हुआ ना, बाकी आप चीज़ थोड़ा ना यूज़ कर पा रहे हो, तो वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हाउ मच लेजर टाइम वी गिव अप टू वर्क। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। एक सेकेंड जाइए मत, अगर आपको इसकी बैक एक्सरसाइजेस चाहिए तो मैं अभी आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, मैंने उसके भी आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं बार बार कहीं कहीं जगह जाके मेहनत करनी पड़े। आप अगली बार से भी हमारे वीडियो पे आएंगे, आपको नोट्स के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के लास्ट के तीन जो क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइजेस के आंसर्स, वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, बाकी के आंसर्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चलिए। तो फ्रेंड्स बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर वन एनसीईआरटी का, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी।
तो फ्रेंड्स इससे पहले हम इसका आंसर देखें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप मेरी वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको वो चीज़ ज़रूर समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर में हर एक लाइन का मतलब इस नोट्स में आपको समझाया है, जो भी चीज़ ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, हमने पढ़ तो लिया था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हूम टू प्रोड्यूस। अब हमने उसको एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि अब आप हो गए हो 11th क्लास में फ्रेंड्स, अब हम छोटी क्लास में तो है नहीं कि हम थोड़ा छोटा 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 आंसर लिखाएंगे और फिर हमें बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हमें लिखना पड़ेगा बहुत वास्ट, बहुत ही बड़े अमाउंट में, बहुत ही मतलब एक्सप्लेन करके आंसर, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप जब भी कोई क्या बोलते हैं, आप अपना आंसर लिखें तो उसको पॉइंट्स में ज़रूर लिख लें, क्योंकि पॉइंट्स में लिखने से फ्रेंड्स क्या होता है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, कोई भी आपके अंदर ब्रीफ में नहीं जाएगा, सिर्फ आपके वो बार बार आपके नंबर ऑफ़ पॉइंट्स देख लेगा, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मोस्टली टीचर्स ऐसे ही करते हैं और आपको मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी तो यही है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मेरे को मार्क्स मिल जाते हैं, आप भी ऐसे लिखिए, आप भी पॉइंट्स में आंसर लिखें और आपको भी ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ अ सेंट्रल इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आता है, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैपिटल गुड्स, अब हमने इस पॉइंट को और इलेबोरेट कर दिया, पहले हमने व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो पॉइंट लिखे, कैपिटल प्रोड्यूस और कंज्यूमर गुड्स, फिर हमने उसको और इलेबोरेट किया कैपिटल गुड्स। इफ इकोनॉमी विल प्रोड्यूस ओनली कैपिटल गुड्स देन द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी देयर बट द प्रेजेंट जनरेशन विल नॉट एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। समझ में आया आपको, ओके ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स, इफ द इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली कंज्यूमर गुड्स देन द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंज्यूमर विल बी हैम्पर्ड बिकॉज देयर विल बी नो स्कोप फॉर प्रोड्यूसिंग फर्दर गुड्स इन इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने, जैसे आपका ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया, तो आपको सिर्फ ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस के साथ इसका बस आप ये लिख सकते हैं कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा और इसी आंसर का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट पेज पे है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हाउ टू प्रोड्यूस, अभी हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, 3 थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अब हम व्हाट टू प्रोड्यूस से पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये आता है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। इसके अंदर एक पॉइंट होता है लेबर इंटेंसिव। तो फ्रेंड्स मोर ह्यूमंस एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया मोस्ट सूटेबल प्रोडक्शन टेक्निक्स इज लेबर इंटेंसिव सेक्टर। इन इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन प्लेंटी। तो अब हमारा इंडिया कितना वास्ट कंट्री है, कितनी बड़ी कंट्री है, आप इसका अंदाज़ा अपने घर बैठे बैठे भी लगा सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कितनी ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होगा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब, ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैं, आप, आपके टीचर्स, आपके ट्यूशन टीचर्स, सभी लोग, मतलब ये सब ह्यूमन रिसोर्स ही तो हैं। तो हम लोग कितनी प्लेंटी में, कितनी पॉपुलेशन हमारे इंडिया की, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। तो इंडिया हैज़ इन इंडिया ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन प्लेंटी। ऑन दी अदर हैंड कंट्री लाइक अमेरिका जनरली यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स बिकॉज of less labor available in the country, because of less labor available in the country। तो फ्रेंड्स अब हमने इनमें दो डिफरेंस देखे, एक कंट्री है फ्रेंड्स इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर, इंडिया के अंदर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है, और कंट्रीज लाइक अमेरिका जिसके अंदर रिसोर्सेज की कमी है, less human resource है for whom to produce। अब हमारा आ गया फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट, for whom to produce। हम दो पढ़ चुके हैं what to produce, how to produce, और हमारा थर्ड फाइनल for whom to produce। आपको फ्रेंड्स मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, आई होप सो। और अगर आप इसी के साथ, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक्स करते रहेंगे, और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो पॉज करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और यार आगे बढ़ते हैं, काम भी तो करना है।
for whom to produce. It relates to the problem of distribution of resources or national income among the members of society. The distribution of national income and the output is done in two ways. कितने ways में करा जाता है friends? Two ways में. पहला way है friend, interpersonal distribution. क्या? This implies distribution among the individuals of society. Factorial distribution. Factorial distribution क्या ये factory से related है क्या? हैं? क्या हो सकता है factory से related? आइए देखते हैं. This implies distribution among different factors of production. Land, river, capital, entrepreneurs. तो factorial distribution के अंदर क्या आता है? This implies distribution among different factors of production. Land, river, capital and entrepreneur. तो अब तक हमने दो पढ़े friends. Interpersonal distribution और factorial distribution. Interpersonal के अंदर क्या पढ़ा? This implies distribution among the individuals of the society. Individuals, मैं, आप, individual के ऊपर distribution depend करता. This implies distribution among मतलब हमारे बीच में individuals of the society. और factorial distribution मतलब एक particular एक मतलब सब divided होता है किसके बीच में? Land के बीच में, river के बीच में, capital के बीच में और entrepreneur के बीच में. Entrepreneur मतलब businessman जो business करते हैं. इसी के साथ friends हम आगे बढ़ते हैं हमारे next page पे. Cameraman next. तो friends question number 2, what do you mean by production possibility of an economy? हम क्या mean करते हैं? mean हमारा क्या मतलब है? production possibility of an economy क्या मतलब होता है इसका? इसका होता है the ability of a country. एक country की एक ability क्या होती है friends? जैसे आपकी आपकी body के अंदर क्या आपकी immunity है, वो फाइट कर सकती है. उसकी एबिलिटी है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जर्म से फाइट कर सकती है. आजकल फ्रेंड्स कोरोना बहुत चल रहा है, कोरोना वायरस से. तो मेरी आपसे ये विश है, आप अपने घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए. और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स. अगर ये 1 mark का क्वेश्चन होता तो आप इतना लिख सकते थे, बट एक 3 marker में आपको ये लिखना ही पड़ेगा. आई नो फ्रेंड्स, अब आपने आपने स्ट्रीम ही ऐसी ली है. स्ट्रीम में आप शॉर्ट 1 word to the point आंसर्स आप लिख ही नहीं सकते. आपको जितना एक्सप्लेन कर सकता है उतना एक्सप्लेन करना ही होगा. मुझे पता है आपको कैसा लग रहा होगा, सेम मुझे भी लगा था. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे. देयर आर ऑलवेज 2 words इन्वॉल्व्ड हियर. दस When a country decides to use all of its resources in one good, then there will be no more resources to produce other goods. However, this theory is not absolute. Because the country decides to produce the other goods, it would be up some of its resources until there are no more resources for the other goods. It is therefore possible to increase production of both goods at the same time as long as resources allow it. Now friends, आपने ये आंसर पढ़ा, अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको जो मैं बता रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है. और अगर आप कुछ मेरे को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स देना चाहें तो आप वो मेरे को ज़रूर भेज सकते हैं. इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सो फ्रेंड, वॉट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? क्या है ये फ्रंटियर? क्या होता है फ्रेंड्स, किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता है. चलिए आगे जाके देखते हैं. आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे नहीं पता. अरे फ्रेंड्स, आप लोग भी पेपर देते हैं, मैं भी पेपर देता हूँ. सबको पता होता है कि जो पता होता है जिसको वो बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी मेहनत पे रंग लाएं. तो मैं भी चाहता हूँ कि मैंने आपको जितना टाइम दिया, मैंने आपको आप पे जितनी मेहनत करी, आप उतना ही प्यार मेरे को लाइक से, व्यूज से, सब्सक्राइबर्स से और प्लीज़ कमेंट से ज़रूर दीजिए. बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी. और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. मैं आपको विद इन अ वीक उसका आंसर ज़रूर भेजूंगा. और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे तक उसका आंसर भेज दूँ. थैंक्स फ्रेंड. अब फ्रेंड हम इसका आंसर आगे बढ़ते हैं. अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PPF. और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ आउटपुट फॉर टू प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर द गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड पर यूनिट टाइम.
फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब आपने अब तक इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल टू। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडीड अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेस विज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको लग रहा होगा कि मैंने आगे क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं लिखे। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के बीच में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 यानी इन चारों क्वेश्चन के आपको आंसर्स मेरे नोट्स में अच्छे से वेल डिफाइंड पॉइंट्स के साथ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर इसमें मेरे को तो नहीं लगता इसमें कोई कमी है, और इन केस अगर इसमें कोई कमी हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको इसकी नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।